दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यूटैग एप्लीकेशन से बिजली का बिल पे करके दिखाने वाला हूँ। यूटैग एप्लीकेशन क्या है, इसके द्वारा आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूटैग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें आप रिचार्ज और बिल पेमेंट करके कैशबैक पा सकते हो। कोई भी रिचार्ज या बिल पे करने से पहले आपको वॉलेट में रुपए ऐड करने होंगे। यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका टोटल क्रेडिट और यहाँ टोटल बैलेंस दिखाएगा। आप इसमें जितने रुपए ऐड करना चाहते हैं उतने रुपए यहाँ पर डाल देंगे। इसमें आप कम से कम 50 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए ऐड कर सकते हैं। मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1679 रुपए का है। 12.98 रुपए का बैलेंस इसमें पहले से है तो मैं इसमें 1670 रुपए ऐड कर रहा हूँ। मैंने इसमें 1670 रुपए डाल दिए हैं। आप सुबह 7:30 बजे से रात 11:30 बजे तक UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें सुबह 7:30 बजे से रात 11:30 बजे तक UPI के द्वारा रुपए ऐड कर सकते हैं। इसमें रुपए डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद UPI के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से UPI ID सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे UPI ID एंटर करने के लिए बोला जाएगा। इसमें आपको अपनी UPI ID एंटर करनी है। अगर आपको अपनी UPI ID मालूम नहीं है तो आप जिस UPI ऐप को यूज कर रहे हैं उसके प्रोफाइल ऑप्शन में जाकर UPI ID चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल पे यूज करते हो तो आपको गूगल पे ऐप ओपन करना है। इसके बाद प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी UPI ID दिखाई दे जाएगी। चलिए मैं UPI ID डाल देता हूँ। इसमें UPI ID डालकर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने वो सभी UPI ऐप्स आ जाएंगी जो आप अपने फोन में यूज कर रहे हो। आप जिस UPI ऐप से इसमें रुपए ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने गूगल पे के ऊपर क्लिक किया है। इसके बाद आप गूगल पे ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आपके सामने यूटैग की तरफ से इस तरह की पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाएगी। यहाँ से बैंक अकाउंट चूज करके पे पर क्लिक करेंगे। इसमें UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। इसके बाद पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर पेमेंट अपडेट होने में 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। कभी कभी यहाँ पर बैलेंस अपडेट नहीं होता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐप से लॉग आउट हो जाना है और फिर से ऐप में लॉगिन करना है। इसके बाद आप अकाउंट में जाकर चेक करोगे तो ये देखिए इसमें बैलेंस ऐड हो गया है। अब यहाँ पर 1682.98 रुपए का बैलेंस हो गया है। चलिए अब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे। वापस होम पेज पर आ जाएंगे। रिचार्ज एंड बिल्स में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटर चूज करेंगे। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे आपके सामने सभी ऑपरेटर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। या तो आप इसमें ऑपरेटर का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं या फिर लिस्ट को स्क्रॉल करके ऑपरेटर को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटर नहीं पता है तो फिर आप इसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पर से देख सकते हैं। ऑपरेटर चूज करने के बाद इसमें कंज्यूमर नंबर डालेंगे। कंज्यूमर नंबर को अकाउंट आईडी भी बोलते हैं, ये भी आपको बिल पर से मिल जाएगा। इसमें ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे। जब आप यूटैग पर अकाउंट बनाते हैं उस समय मैसेज के द्वारा आपके मोबाइल पर इस तरह से ट्रांजेक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड भेजा जाता है। यही ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको इसमें डालना है। इसके बाद फैच बिल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद बिल की डिटेल फैच होकर यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि कंज्यूमर का नाम, मोबाइल नंबर, बिल डेट, बिल नंबर, बिल ड्यू डेट, कंज्यूमर नंबर और टोटल बिल अमाउंट। बिल डिटेल चेक करने के बाद मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल पर 4 अंकों का एक OTP कोड सेंड हो जाएगा जिसे इसमें डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही बिल पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल पेमेंट सक्सेसफुल। बिलर के साथ पेमेंट रिफ्लेक्ट होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। नीचे बिल पेमेंट की डिटेल आ गई है, आप यहां क्लिक करके बिल पेमेंट रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसे डन कर देंगे। अगर आप बाद में बिल पेमेंट हिस्ट्री देखना चाहेंगे तो आपको नीचे हिस्ट्री के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, आप कब से कब तक की हिस्ट्री देखना चाहते हैं। इसके बाद शो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ट्रांजेक्शन हिस्ट्री शो हो जाएगी। आप यहाँ क्लिक करके इसका प्रिंट डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं।
आप यहां क्लिक करके पासबुक चेक कर सकते हैं आपने कब कितने रुपए वॉलेट में ऐड किए और कब कितने रुपए किसे पेड किए, वो सब आप पासबुक में चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1670 रुपए का टॉपअप किया है वॉलेट में और इसके बाद 1679 रुपए का बिजली का बिल पे किया है और बिजली का बिल पे करने पर हमें कैश बैक भी मिला है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यूटैग एप्लीकेशन से बिजली का बिल पे कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।